बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अपेंडिक्स नंबर 1 है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब अपेंडिक्स जो है वो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है नॉर्मली इनको कहा जाता, और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स यानी कि वो वर्ड्स जो कि हमारे नाउन्स को एक्सप्लेन करें, और हमें हमारे नाउन के बारे में जो फर्दर एक्सप्लेनेशन दे, इंफॉर्मेशन दे, उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स की 3 फॉर्म्स आएंगी। ये फर्स्ट फॉर्म जब हम नॉर्मली किसी को कह रहे हों कि ही इज़ एबल टू डू या ही इज़ बाल्ड, लेकिन जब हम दो का कंपैरिजन कर रहे हों तो मिड वाला वर्ड यूज़ होता है कि अली इज़ बाल्डर देन या मोर एबलर देन हमजा या कुछ भी जो आप मेंशन कर सकते हो। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें तो बिच वाली लाइन जो है वो इसके थ्रू कंपेयर किया जाता है, दरमियान वाली लाइन के थ्रू। ये कंपैरेटिव्स हैं। ये जब हम सिर्फ सिंगल चीज़ को मेंशन करके बता रहे हों, सिंगल नाउन को, जब दो नाउन को कंपेयर कर रहे हों तो ये वाले एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं, और जब दो से ज़्यादा सारे नाउन्स में से किसी एक को बताना हो कि ये बेस्ट है या बोल्डेस्ट है, बेरेस्ट है, बिगेस्ट है, जो सबसे बड़ा हो, तो उनको सुपरलेटिव लगाकर बताया जाता है। ये जब सिर्फ एक को मेंशन किया जाए, ये जब दो को कंपेयर किया जाए, जब दो से ज़्यादा को कंपेयर किया जाए और सिर्फ एक अच्छा हो तो ये यूज़ होती है कॉलम। अब 3 कॉलम्स हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये वाले वर्ड्स पढ़ के बताऊंगी, बाकी जो है बहुत ईजी हो गया। आप ER और EST लगा के सिंपली उस वर्ड को इनलार्ज कर सकते हो। एबल, एबलर, एबलेस्ट, और एबल का मोर एबल और मोर मोस्ट एबल भी हो सकता है, जो आपको आसान लगे। एबलर और एबलेस्ट ज़्यादा ईजी है। इसी तरह बैल्ड, बैल्डर, बैल्डेस्ट, बेयर, बेयरर, बेयरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये वर्ड्स आ जाएंगे आपको। तो ER और EST लगा के आप आसानी से इनको प्रोनाउंस कर सकते हो। दैट वॉन्ट बी एनी इशू, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ब्लैक, ब्लू, बोल्ड, ब्रेव, ब्रीफ, ब्राइट, ब्रॉड, काम, इधर एल साइलेंट होगा, काम, कामर, कामिस्ट, चीप, क्लीन, क्लियर, क्लेवर, क्लोज, कोर्स, कोल्ड, कूल, क्रूअल, डार्क, डियर, डीप, डिम, डल, डम्ब। एरी, एरी का मीनिंग होता है डेंजरस या खौफनाक। फेंट, फेयर, फास्ट, फैट, फिबल, फ्यू, फियर्स, फियर्सर, फियर्सेस्ट, फाइन, फर्म, फिट, फ्लैट, फ्री, फ्रेश, फुल, गे, गेयर, गेस्ट, गे का मतलब होता है खुश, जेंटल, ग्लैड, ग्रैंड, ग्रेव, ग्रेट, ग्रीन, ग्रिम, हैंडसम, हार्ड, हार्श, हाई, हॉट, हम्बल, कीन, काइंड, लार्ज, लेट, लीन, लाइट। क्योंकि आप लोगों की नोटबुक्स और बुक्स जो हैं वो मेरे पास रहेंगी, आप लोग काइंडली आज अपनी नोटबुक सबमिट करवा दीजिए। हम लोग बुक से सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप एक गो थ्रू ले सकें। इसको आप एक दफ़ा सुनेंगे, आपको ये सुनकर ही ऑलमोस्ट सब जो हैं वो याद हो जाएंगे। आप बहुत ईजीली इन वर्ड्स को पिक कर सकते हैं। रिवाइज़ कीजिए, एक दो दफ़ा वीडियो सुन लीजिए, आप लोगों को वर्ड्स पे जो है वो ग्रिप आ जाएगा और स्पेलिंग भी जो है पक्के हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए ना आपने कोई रिटन वर्क करना है, ना कोई लर्निंग का काम करना है, क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो सबमिट होंगी। ग्रामर बुक्स भी टाइमली सबमिट करवा दीजिए ताकि आप मंडे को टाइमली कलेक्ट कर सकें। आज का डे है सबमिशन के लिए। सब आप लोगों ने ग्रामर बुक्स भी और ग्रामर नोटबुक्स भी कंप्लीट करके जो है वो चेकिंग के लिए सबमिट करवानी है, और मंडे को आप आफ्टर चेकिंग कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए ये 2 पेजेस ही। नेक्स्ट 2 पेजेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। अपेंडिक्स 1 और 2 जो है वो आपके सिलेबस
जो है आपका पार्ट वन का सिलेबस सेमेस्टर वन फर्स्ट टर्म जो है आपका उसमें इंक्लूडेड है। इसी तरह 2 पेजेस करके करेंगे और बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।